चुनावी कैंपेन शुरू किया है, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? मैं सबसे पहले बागेश्वरी धाम पर यहाँ पर बाबा के दर्शन, शिव बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंची हूँ और बाबा से आशीर्वाद मांगने के लिए आई हूँ। बाबा बोले मुझे इतनी ताकत और इतनी क्षमता करे कि मैं इलाके के काम को अच्छे से कर पाऊँ। तो क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार के आपके जो विधानसभा जो क्षेत्र का काम है? यहाँ पर बहुत ही काम करना है, बहुत जरूरत है काम करने की, इसलिए चुनाव में अगर मुद्दा है तो केवल केवल विकास का मुद्दा है। जिस प्रकार से आपको पहले मौका मिला था तो आपने कनीना को उपमंडल बनाने का काम किया था और अटेली को कैसे, तो इस प्रकार से अटेली एक उपमंडल की मांग है, आपकी प्राथमिकता रहेगी उसे लेकर? सबसे पहले अगर आज मेरे सामने कोई मुद्दा है, अगर मेरे सामने कोई मुद्दा है तो अटेली विधानसभा क्षेत्र का अटेली उपमंडल ही सबसे पहला मेरा लाइफ लाइन है और मैं उसे बनवाकर बाबा की कृपा से, बाबा शिव भोले की कृपा से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से ये कार्य मैं संपन्न कराऊंगी अटेली विधानसभा क्षेत्र के अटेली उपमंडल। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मुख्य मुद्दे तो यही, पहला मुद्दा तो यही है अटेली का उपमंडल बनवाना, यहाँ पर बागेश्वर धाम में खड़े यहाँ पे स्टेडियम लाना, यहाँ पे एक टेक्निकल एजुकेशन लेकर, मेरे दिमाग में चार टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और वो जो एक रीजनल सेक्टर की ब्रांच, इस तरह से जो एजुकेशन है क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं लेकिन उनके लिए सोर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो एजुकेशन का जैसे हमारे यहाँ पर रावदान सिंह जी यूनिवर्सिटी लेके आए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसी तर्ज पे यहाँ पर एजुकेशन आप बनाने का दिल और दिमाग में। एजुकेशन के साथ रोजगार का क्या? जब बच्चे पढ़ते हैं तो अपने आप रोजगार मिल जाते हैं, रोजगार सरकार थोड़ी देती है, बच्चे तो खुद रोजगार लेते हैं, बच्चे पढ़ेंगे अच्छी इंस्टीट्यूशन मिलेगी, बच्चे को सोर्स ऑफ एजुकेशन मिलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे नौकरी लेंगे। जिस प्रकार आपको टिकट मिलने के बाद लगातार आप लोगों से मिल रही है कुछ जो है समर्थन भी दिया है, जैसे कल आम आदमी पार्टी की पूरी टीम जो है वो आपके साथ आ गई थी, तो इससे कितना माहौल बदल रहा? देखो जी, 10 साल का जो इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने जितना सताया हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे बच्चों के साथ जितना धोखा किया, यूथ के साथ,
युवा वर्ग यहाँ पर सबकी लाइफ लाइन है। जब युवा वर्ग ही भटका हुआ है और घूम रहा है सदर बदर ठोकर खाके, तो आम आदमी के जो पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री सत्यनारायण जी एडवोकेट, ये आपके बीच में आ गए। इसी तरह से 10 साल के हरासमेंट की वजह से जितनी सारी रीजनल पार्टियां थी छोटी, वो जो जिनके अलायंसेज होने थे, उन पार्टियों ने सबने मिलकर के कांग्रेस को समर्थन दिया है और कांग्रेस को विजय इसलिए बनाने मजबूरी है, सबकी मजबूरी है कि यहाँ के बच्चे हैं जो अग्निवीर योजना की चपेट में आए। ठीक ठीक।